बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है और इसको सब पसंद करते हैं। चना चाट तो हर कोई पसंद करता है। तो चलें अज़ा नोट करते हैं कि चना चाट में क्या क्या जाएगा। लेकिन अज़ा नोट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो आप एंड तक देखें, ताकि अगर कुछ रह जाए तो वो आपके सही से समझ में आ जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चना चाट में क्या क्या जाएंगे अज़ा? देखिए मैंने फुल्कियाँ बनाई हैं थोड़ी सी, इसको पानी में भिगो के मैंने इस तरह सॉफ्ट करके रख लिया है। और ये पापड़ी है, ये होममेड है, घर की बनी हुई पापड़ी है। आप चाहें तो बाज़ार से ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको पापड़ी की रेसिपी दूँगी। ये इमली का पानी है, ये मीठी चटनी है, मैंने चने बॉईल करके सोडे में रात को भिगो के इसको बॉईल करके रख लिया है। अच्छा दही है, ये दही मैंने अच्छा सा फेंट के इसमें थोड़ा सा नमक डाल के रख लिया है। और ये कुटी हुई मिर्चें हैं, ये चाट का मसाला है, ये नमक है, ये मैंने दो आलू बॉईल ले कर काट के इसको जर्दे के पानी में मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। और ये छोटी छोटी मैंने टमाटर कट करके रख लिए हैं, एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज काट के रख ली है, दो से तीन हरी मिर्चें छोटी छोटी चॉप करके रख ली हैं, ये हरा धनिया। तो चलें स्टार्ट करते हैं चना चाट में किस तरह मिक्स करना है इसको। तो देखें सबसे पहले मैंने ये फुल्कियाँ जो बनाई थी ये मैंने डाल दी इसमें। तो इसमें मैंने चने रखे थे, ये इसके ऊपर जाएंगे। इसके ऊपर आलू जो मैंने बॉईल करे थे ये इसके ऊपर जाएंगे। देखने अब इसके ऊपर मैंने ये टमाटर फैला दिए हैं। ये बहुत टेस्टी चाट बनती है जैसे बाज़ार में मिलती है। अभी मैंने हरी मिर्ची डाल दी इसके ऊपर, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी प्याज इस पर डालेंगे। तो देखें इसके ऊपर मैंने दही डाल दिया ताकि दही जो है नीचे तक अच्छा सा मिक्स हो जाए, और थोड़ा सा ऊपर डालने के लिए हमने बचा के रखना है। देखिए जी इमली का पानी मैंने रखा था, ये इसके ऊपर से इमली का पानी जाएगा। देखो ऊपर से मैंने थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि दही में ऑलरेडी नमक था थोड़ा। ये चाट का मसाला मैंने इसके ऊपर फैला दिया है। चाट का मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये कुटी हुई मिर्चें ये मैंने इसके ऊपर डाल दिए, और जितना आपको नमक या मिर्चें खानी है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो देखिए अभी दही बचा था ये मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा फैला दिए। इसके ऊपर मैंने ये मीठी चटनी डाली है। अगर आप मीठी चटनी खाना चाहें तो डालें, ये ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो नहीं डालें। सही, जो मैंने पापड़ी बनाई है घर में, देखें ये पापड़ी कितनी सॉफ्ट है, ये आप इसके ऊपर फैला दें। देखें व्यूअर्स, ये हमारी चटपटी सी खट्टी मीठी चाट तैयार रेडी है। ऊपर से मैंने थोड़े थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जो रखे थे वो ऊपर से जाएंगे। ये चाट का मसाला थोड़ा सा ऊपर से कूटी मिर्च। तो देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह ये हमारी रेडी है चने की चाट। ये आप बनाएं, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चने की चाट बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी चने की चाट की पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जितने रिश्तेदार अजीज़ और अकारीब हैं उनके साथ मेरी रेसिपी शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सके। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।